अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है चिकन चिल्ली फ्राई। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। चिकन है तकरीबन 700 ग्राम है, बोनलेस काट लिया है क्यूब्स में। उसके बाद चाहिए हमें चिल्ली, चाहिए ग्रीन चिल्ली तकरीबन 7 से 8 काट ली है। उसके बाद ये जिंजर और गार्लिक बारीक काटे हुए हैं, बारीक काट लिए तकरीबन 2 स्पून है। उसके बाद चाहिए ग्रीन ऑनियन, ये 1 पीस जो है वो ग्रीन ऑनियन का ले लिया है, इसको भी बारीक काट लिए। उसके बाद चाहिए हमें 1/2 लेमन, इसका जूस डालेंगे। उसके बाद 1 ऑनियन है, उसको भी बारीक काट लिए। ड्राई चिल्ली है 5 से 6 अदरक ली है, ये भी काट ली हैं बड़े बड़े पीसीस में। इसके बाद रेड पेपर है, सुर्ख मिर्च ली है तकरीबन 1/2 स्पून, तकरीबन 1/2 स्पून जो है वो चिल्ली ले ली है हमने, रेड चिल्ली। नमक चाहिए होगा तकरीबन 1 स्पून और कॉर्नफ्लोर चाहिए तकरीबन 1/2 कप जो है वो 4 से 5 चम्मच, ये हमने कॉर्नफ्लोर ले लिए। और 1 एग, 1 अंडा चाहिए होगा तो तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। चिकन ले लिया हमने, एक बाउल में चिकन ले लिया। अब इसमें तकरीबन 1 स्पून जो है वो साल्ट डालेंगे, साल्ट 1 स्पून। 1/2 स्पून जो है हम इसमें रेड चिल्ली डालेंगे, सुरख मिर्च डालेंगे। एक अंडा डालेंगे, 1 एग, इसको मिक्स कर लेंगे। 1/2 लेमन का जूस डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर तकरीबन 1/2 कप जो लिया था, 4 से 5 स्पून जो है वो डालेंगे। थोड़ा कुकिंग ऑयल डाल देंगे तकरीबन 2 स्पून। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। अब हम इस चिकन को 10 से 15 मिनट्स मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट्स चिकन हमारा मैरिनेट हो गया, तो अब हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। फ्राई गर्म हो गया, तो चिकन तकरीबन हमारा फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। तो ये चिकन हमारा फ्राई हो गया। चिकन को हम एक दो बार फिर थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए। और
थोड़ा ऑयल ले लेंगे हम तकरीबन 3 to 4 स्पून्स कुकिंग ऑयल, 3 to 4 स्पून्स। इसमें हम डालेंगे हमारा जो गार्लिक और जिंजर का जो हमने 2 टेबलस्पून लिया था, काट लिया था बारीक बारीक, वो डालेंगे। तो जिंजर और गार्लिक हमारा जो है वो फ्राई हो गया। अब हम इसमें ग्रीन ओनियन डालेंगे, 1 ग्रीन ओनियन, 1 ग्रीन ओनियन जो काटा था। ग्रीन चिल्ली जो हमने काटी थी वो भी डाल देंगे। ऑनियन भी डाल देंगे। फ्राई कर रहे हैं, ये जो ड्राई चिल्ली है ये भी डाल देंगे। वन स्पून जो है हम सिरका डालेंगे इसमें। हाफ टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर डाल देंगे। हाफ टी स्पून जो है वो साल्ट डाल देंगे, क्योंकि चिकन में भी हमने साल्ट डाला था, तो इसमें हम साल्ट थोड़ा डालेंगे इस मोज़ेक पर। अब हम इसमें जो चिकन का फ्राई किया हुआ वो डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए, चिकन चिल्ली हमारा रेडी है, चिकन चिल्ली फ्राई। अब हम इसमें थोड़ा कोरिएंडर डाल देंगे, साबुत धनिया डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। तो चिकन चिल्ली फ्राई हमारा रेडी है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चलो डिश आउट करते हैं। चिकन चिल्ली फ्राई हमारा रेडी है, ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है।
ये थी आज की हमारी रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।